निर्भया केस, दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले पवन जल्लाद ने जेल प्रशासन ने कितने रुपए दिए? जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके रिपोर्ट एक्सक्लूसिव .com और मैं हूँ कुलदीप शर्मा। एक रोचक जानकारी है लेकिन बेहद ज़रूरी है। हर व्यक्ति की मन में सोच होती है भी आखिर जल्लाद को कितने पैसे दिए जाते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। 16 दिसंबर 2012 की वह रात जिसमें चलती बस में 6 दरिंदों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था, जिसमें पूरा देश कांप गया था। आखिरकार आज शुक्रवार की सुबह 5:30 पर चारों दरिंदों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया। इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने पवन को 60,000 रुपये दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाने की पवन जल्लाद की जो फीस है वो 15,000 रुपये है। फांसी पर चारों दरिंदों को लटकाने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने पवन जल्लाद को 60,000 रुपये दे दिए हैं। इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन की टीम पवन जल्लाद को अपनी निगरानी में मेरठ से दिल्ली लेकर आई थी। ये थी कुछ रोचक जानकारी जो हमने आपको बताया भी आखिर पवन जल्लाद जो है एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाने के कितने रुपए लेता है और उसे इन चारों दरिंदों को फांसी पर लटकाने के कितने रुपए दिए गए थे। ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।